57 से पहले की भी जो घटनाक्रम इस देश में हुआ उनको लेकर के दूरदर्शन ने एक 75 एपिसोड की एक श्रृंखला ये तैयार की है, जिसके अंदर ऐसी बहुत सी घटनाएं, विदेशी आक्रांताओं ने जिस देश के ऊपर आक्रमण किया, जहां लूटमार की, और उसकी सारा जो चित्रण है वो बहुत सजीव ढंग से दिखाया गया है। इन 75 एपिसोड में से 2 एपिसोड आज ये स्वराज श्रृंखला के हमने देखे हैं। बहुत ही एक प्रकार का जानकारी, एक प्रकार की ऐसी कि देश में किस प्रकार के पहले क्रांतिकारी, किस प्रकार के शहीद, किस प्रकार के विदेशी आक्रमणों से मुकाबला करने वाले, खास करके आज जैसे वास्को डिगामा उसने जो भारत के ऊपर आक्रमण करके और यहाँ के हमारी धन संपत्ति को, दौलत को लूटना शुरू किया, बाद में तीसरे आक्रमण के बाद उसकी मृत्यु भी यहीं हुई, बाद में महिला वीरांगनाएं, उनका भी एक एपिसोड रानी अबक्का जिसने मैसूर के पास, विजयनगर के पास एक छोटी रियासत उल्लास, तो ऐसा एक छोटी रियासत में होते हुए भी लेकिन जिस बहादुरी से और इन पुर्तगालियों का मुकाबला किया है, वास्तव में वर्णन योग्य है। बहुत एक प्रेरणा देने वाली, उत्साह देने वाली ये घटना जो हमको जानकारी मिली है। ऐसे सारे जितने एपिसोड हैं, हम चाहेंगे कि प्रदेश में सभी जो शिक्षा संस्थान हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनमें भी सब में दिखाया जाएगा। अन्य स्थानों पर भी लोगों को जागरूक करने के लिए, अपने देश का एक उज्ज्वल इतिहास बताने के लिए और इनका प्रसार किया जाएगा। सर, जो इतिहास पढ़ाया गया है उस इतिहास में काफ़ी शहीद ऐसे थे जो पता ही नहीं लगा लोगों को, एक बड़ी तादाद ऐसे शहीद हो। वही मैंने बताया कि जिनको हम अंग्रेजी में शब्द प्रयोग करते हैं अनसंग हीरोज, जिनके बारे में कोई जानता ही नहीं है, ऐसे अनाम बेनाम ऐसे शहीदों की बहुत बड़ी एक श्रृंखला है, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए, अपना स्वाभिमान बनाए रखने के लिए, अपनी संस्कृति, अपने धर्म, इसको बचाने के लिए बहुत इतिहास भरा पड़ा है। धीरे धीरे ऐतिहासिक चीज़ें सामने आ रही हैं, उन सब चीज़ों का देश की अगली पीढ़ी को जानकारियां मिलें, इसके लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। सर, OTT प्लेटफॉर्म पर भी आजकल एक यूज कर रहा है, तो क्या ये OTT प्लेटफॉर्म पर भी आए लोग इजीली इसको देख सकें, इसके लिए भी कोई आपको? प्लेटफॉर्म तो अलग अलग प्रकार से, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना है, हमारा सूचना प्रसारण विभाग इसको आगे प्रसारित करेगा, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म जो भी होंगे, हम तो प्रत्यक्ष भी दिखाएंगे, अपनी जितनी संस्थाएं हैं उनमें भी दिखाएंगे। इतिहास की अगर बात करें तो जैसे पुरानी चलो आज़ादी के अमृत महोत्सव पर ये स्क्रीनिंग हुई है, लेकिन आप मानते हैं कि इतिहास की तथ्यात्मक जो चीज़ें हैं उनको बहुत ज़्यादा सही तरीके से कहीं पेश नहीं किया जाता है, और हरियाणा के सब्जेक्ट में भी कहीं पहली से आठवीं तक कई बदलाव किए गए इतिहास के, तो आप मानते हैं कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई है? देखिए, देश इतने वर्षों तक गुलाम रहा, और जब गुलामी किसी देश की होती है तो जो उस समय शासन करने वाला था उनका एक मकसद होता है कि इस देश के स्वाभिमान को कैसे खत्म किया जाए, कैसे इनकी जो स्व की भूति है उसको समाप्त किया जाए। शिक्षा भी अपने ढंग से देते हैं। अंग्रेजों के समय में मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी, वास्तव में आज़ादी के बाद हमारे लोगों ने उसी को शुरू में अपनाया, लेकिन बाद में कुछ जागरूक जो नागरिक थे, जो हमारे इतिहासकार हैं, उन्होंने सबने कहा कि इन चीज़ों पर अध्ययन करना चाहिए। बहुत अध्ययन हो रहा है, बहुत संस्थाएं बनी हैं, और उस इतिहास को खोज खोज के निकाला जा रहा है। जो उपयोगी चीज़ें हैं वो सब पाठ्यक्रम में पहले भी लाई जा रही हैं, आगे भी ये क्रम निरंतर लगातार जारी रहेगा, जिससे हमारे देश का, यानी एक प्रकार का स्वराज जिसको कहते हैं, उस स्वराज में हमारी संस्कृति क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारी भाषा क्या है, क्योंकि भाषा का भी जो प्राचीन भाषा है उसके आधार पर भी हम अपने ऐसे अनसंग हीरोज को भी जान सकेंगे, अपने इतिहास को भी जान सकेंगे। तो ये चीज़ें देश के लिए बहुत अतीत में जाकर के और भविष्य का निर्माण करने के लिए बहुत आवश्यक है। तो चंडी मंदिर आप सुबह गए, जानकारी हमें मिली कि पहले श्राइन बोर्ड के अंडर नहीं आता था पुराना प्राचीन मंदिर का, आगे किस तरह से वहाँ विस्तार विस्तार हो रहा है और किस तरह से श्राइन बोर्ड ने भी अपने कंट्रोल में लिया है? माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड में अब वो चंडी मंदिर आ चुका है, उसकी जो भी मंदिर की गतिविधियां हैं अब उसी श्राइन बोर्ड के माध्यम से चलती हैं और बहुत अच्छे सुचारू ढंग से चलने लग गई हैं। मैं तो उस पर पहली बार गया हूं, लेकिन पिछले 3 वर्षों से अब वहाँ नवरात्रों का ये जो कार्यक्रम है, माता की जो पूजा है, वो सारी विधिवत ढंग से होती है, और वहाँ जिस भी प्रकार की कोई कमियाँ होंगी उसको दूर करेंगे, और अच्छा यात्रियों के लिए, यानी तीर्थयात्रियों के लिए उसको और अच्छा श्रेष्ठ बनाया जाएगा, ताकि उस मंदिर की पुरानी एक जो परंपरा है, चंडी मंदिर वास्तव में वो है, इससे भी एक प्राचीन मंदिर और है, चंडीवास,
चंडीवास बंदर बहुत इंटीरियर में जाकर के गांव में है, हमने आज उसकी भी चर्चा की है। तो वास्तव में ये जिसके नाम पर चंडीगढ़ ये शहर बसाया गया है, ये जो चंडी का एरिया है, चंडी माता का एरिया, ये इसी क्षेत्र में है, इनकी मान्यता इसको विकसित करें। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ का जो एयरपोर्ट है उसका नाम शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखने का फैसला हो गया है, जिसकी आप मन की बात में जिसकी उन्होंने घोषणा भी की है। विधिवत अब कल उनका जयंती का दिन है शहीद भगत सिंह जी का, तो इस दिन विधिवत उसका नाम शहीद भगत सिंह हो जाएगा। मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी का हरियाणा की जनता की ओर से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अरे मानना क्या है, ये कोई आज की बात है, ये इस जो कोई फिसड्डी लोग रह जाते हैं, जो निराश होते हैं, ऐसे सब पार्टियां मिलकर के कब से तीसरे मोर्चे की बात करती हैं, तीसरा भी मोर्चा नहीं आता, कोई दूसरा नहीं आता। अब तो देश के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की स्थायी रूप से लंबे समय तक सरकार चलेगी, सब लोग निश्चिंत हैं और जनता भी सारी चीज़ों को समझती है। जनता अब ये थर्ड फोर्स सेकंड फोर्स इसके ऊपर कहीं ध्यान नहीं देने वाली। कांग्रेस के जो हाल हो रखे हैं राजस्थान का घटनाक्रम आपके सामने, कांग्रेस की स्थिति पर क्या कहेंगे? आपको लगता है कि आला कमान कंट्रोल में कुछ भी नहीं? कांग्रेस के हाल पर ना हंसना आता है ना रोना आता है, कांग्रेस कहीं बची नहीं है। जो कुछ थोड़ी बहुत एकाध दो प्रांतों में बची है तो राजस्थान में उनका हाल देख रहे हैं आप, यही हाल एकाध प्रांत और जा बचा वही होने वाला है। केंद्र में उनके यहाँ कोई उनकी स्थिति बन नहीं रही है कि भी किसको अपना अगुआ बनाए, किसको प्रधान बनाए, जिसको बनाना चाहते हैं वो भाग जाते हैं, दूसरे कोई आते नहीं है, आते हैं तो उनको शर्तें लगा दी जाती हैं। इसलिए मैं तो बल्कि कहना चाहूँगा कि देश में विपक्षी पार्टी के नाते कांग्रेस की अभी तक भूमिका रही है, थोड़ा अगर बची रहेगी तो विपक्षी भूमिका को संग निभाती रहेगी, आज उससे भी चलेगा। अब हमने देखा अखबारों के अंदर अलग अलग जगह कितना खराबा हुआ है, तस्वीरें आ रही हैं, बिल्कुल फसलें लेती हुई हैं फरीदाबाद के। मैं उसकी पहले बता चुका हूं कि हम निश्चित रूप से किसानों की इस चिंता के साथ उनके साथ खड़े हैं और जो स्पेशल गिरदावरी है उसके आदेश हो चुके हैं, जहां जहां नुकसान हुआ है अगले दो तीन दिनों में फसल कटने से पहले ही उनकी सब गिरदावरी हो जाएगी और जो भी नुकसान हुआ है उसका सरकार जो है निर्धारित समय में उनको मुआवजा मिल जाए, बहुत इंतजार में तुरंत गिरदावरी होने की हड़ताल खत्म हो गई है, पुराने तरह से खरीद का फैसला किया है, समय से जो खरीद है वो शुरू होगी सर हरियाणा? हाँ निश्चित रूप से, क्योंकि उन्होंने अपनी हड़ताल समाप्त की है, मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने किसान के हित में भी और अपने हित में भी प्रदेश में भी एक ठीक वातावरण बना रहे। उनकी जितनी बातें थी उसमें से कुछ बातें हमने मान ली है, कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं है, वो केंद्र सरकार के हाथ में, हमने पत्र भी लिखा है और उस पत्र के माध्यम से कहा है कि इनकी जो कमीशन है आड़त है उसमें एनुअल कुछ इंक्रीज देने का अगर सरकार बनाती है तो वो ठीक रहेगा, ऐसा हमने पत्र लिखा उनको बता भी दिया। धन्यवाद। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए आप मुख्यमंत्री को सुन रहे थे, स्वराज श्रृंखला का एपिसोड आज उन्होंने देखा और उसके बारे में बताते हुए, और उन्होंने कहा कि तमाम लोगों को भी ये देखना चाहिए क्योंकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके साथ ही चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलने से लेकर तमाम बातों का, आढ़तियों किसानों की समस्याओं को उठाने का भी काम यहां पर उनके सवालों का जवाब